चलो देखो, ये तो हो गया इसके अंदर 10वीं का है क्या? ठीक है, उसके बाद 12वीं आईटी। हाँ अच्छा, ये है ग्रेजुएशन। नेक्स्ट है प्रोसीड टू सेलेक्ट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस भरने के लिए हमारे पास, अब ये पोस्ट सिलेक्ट कर रखी है क्या पहले? ये सारी सिलेक्टेड पोस्ट है, कितनी है टोटल? ये 40 सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है, 41 है क्या? 41 सेलेक्ट कर रखी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो पहले डिटेल आ गई सारी, डिटेल के बाद ये आपकी क्वालिफिकेशन है, और ये मैंने बताया भी था, अभी क्वालिफिकेशन पहले चेक करनी है। बहुत से बच्चे ऐसे भी है जिसके 60% नंबर नहीं है, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है और आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं, उसको आप ऊपर भर दोगे, ठीक है। और उसका मैंने ये भी बताया था, अभी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बाद में, लास्ट में पहले आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में चाहे आप कुछ भी लगा दो इसके अंदर, कोई भी डॉक्यूमेंट लगाओ, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन मैच ना करे, वो सीधा अगर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देते हैं तो उनका रोल नंबर वगैरह आ जाते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मान लो आपका एग्ज़ाम हो गया और आपकी क्वालिफिकेशन वो है ही नहीं, एग्ज़ाम में आपको डीवी के अंदर नाम बुला लिया आपका, ठीक है, डीवी के अंदर बुलाएंगे, आपसे पूछेंगे हाँ भी लाओ डॉक्यूमेंट अपने, डॉक्यूमेंट आपके मैच ही नहीं कर रहे, वो आपको रिजेक्ट करें, तो आपकी पोस्ट फिर नीचे वाली भी सिलेक्ट नहीं होगी। ये चीज़ मैंने बताई थी, पहले अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो तो इनकी पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो पहले चेक करो साथ साथ में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, असेंशियल क्वालिफिकेशन, इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी नंबर 47, इसमें लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा विद मिनिमम सेकंड डिवीजन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है कंप्यूटर साइंस का? हाँ भाई, नहीं है तो फिर ये फर्स्ट सेलेक्ट नहीं करनी है फिर, है? नहीं, ये पहले जो फॉर्म, एक मिनट रुको, तो पहले आपने फॉर्म भरा उस टाइम ये सिलेक्ट की थी पोस्ट, क्या अपने आप सिलेक्ट हुई है? उस टाइम अपने आप सिलेक्ट हुई है? ठीक है, मैं ये बात समझ गया आपकी। इसमें तो कंप्यूटर का हार्टोन का डिप्लोमा लगा रखा है, उसके हिसाब से ये पोस्ट उठा ली गई, ठीक है, लेकिन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है ये, तो इस पोस्ट को आप पहले बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दोगे, ये मैं कहना चाहता हूँ, समझ गए बात? ठीक है, इसको आप छोड़ोगे। नेक्स्ट देखो, दूसरा हमारे पास ये है ऑडिटर के लिए, सुनो बात, असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी नंबर 87, ग्रेजुएट प्रेफरेबली, ये कॉमर्स में आपकी ग्रेजुएशन, ये भी सिलेक्ट कर रखी है। हाँ मैं समझ गया, ठीक है, लेकिन अब बात समझ गए होंगे, ये हमें सिलेक्ट नहीं करना स्टार्टिंग में, ठीक है, कहीं इसका पे स्केल अच्छा देख के इसको पहले सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये पे स्केल छोड़ दो एक बार, इनको हमें सिलेक्ट नहीं करना है। अब मेन हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से देखो, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी जो है ये इलेक्ट्रिशियन है, इसमें आप क्वालिफिकेशन चेक करो, इसमें मांग रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस है? नहीं है तो फिर इसको भी छोड़ दो भाई, ठीक है। उसके बाद लाइनमैन का चेक करते हैं भाई, ठीक है, इसमें लाइनमैन में क्या मांग रखा है कि मैट्रिक विद 2 ईयर आईटी कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड हैविंग 2 ईयर वोकेशनल, ये ठीक है, अभी आपके पास इलेक्ट्रिशियन से आईटी आपकी है, ठीक है, क्या हुआ? अच्छा आईटी तो है इलेक्ट्रिशियन से, ये इसने लगा रखी है, क्वालिफिकेशन चेक कर ली हमने। उसके बाद वोकेशनल जो है ये चीज चेक कर लोगे, बाकी यूपी से कोई भी आईटी वगैरह वो ध्यान रखना, ठीक है, यूपी से आईटीआई पहले आप पता करोगे उस कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन थी या नहीं, इलेक्ट्रिशियन थी हाँ फिर ठीक है, हाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है।
एससीबीटी हो चाहे एनसीबीटी हो, अप्रेंटिसशिप आपके पास हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ करेंगे आप, ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप इसमें नहीं मांग रखी। ये लिखा क्या है सुनो बात, कंडक्टेड बाय डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वोकेशनल एजुकेशनल हरियाणा या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अवार्ड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट विद ए मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। अगर आपके पास जो वोकेशनल वाला है ना ये कोर्स, इसके साथ में अप्रेंटिसशिप है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन ये खत्म होती है, उसके बाद बोलते हैं भी 60% मार्क आपके जरूरी है, 60% नंबर है, ठीक है, ठीक है। ये है जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर के लिए रहेगा 55 रहेगा एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड बी कंडक्टेड होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बाद की बात, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है मेन बात है, इसमें आप सबसे पहले एलिजिबल हो, ठीक है, सुनो बात है, भरेंगे भी। उसके बाद अगला हमारे पास है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम एसए की पोस्ट के लिए। एसए की पोस्ट के लिए देखें तो यहाँ देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी ज़्यादा सोच रहे हैं बहुत कुछ है, भी क्या रहेगा हमारा। 2 ईयर आईटी कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ओब्लिक लिखा है वायरमैन ट्रेड, या फिर लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन से आपका जो है वो वोकेशनल हो तो भी आप क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेम कंडीशन है, 60% मार्क्स और 55 वही कंडीशन है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे तो। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सोच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है किसी की यहाँ पर? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके पास है ना, एक दो कैंडिडेट ऐसे भी है जिन्होंने क्या करवाया है, जहाँ पर अपना पंचकूला टेक्निकल बोर्ड है, उस टेक्निकल बोर्ड में जाकर उन्होंने क्या है, स्टार्टिंग में जो अपना ये सीईटी का जो पूरा परफॉर्म आया था ना क्वालिफिकेशन वगैरह का, उसमें लिखा हुआ था कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को डिपार्टमेंट वहाँ पर क्या लिखेगा कि हाँ ये क्वालिफिकेशन इसके साथ मैच कर सकता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट से आपको एक परफॉर्मा लिखवाना पड़ता है। कुछ एक कैंडिडेट गए थे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर, उन्होंने उसको क्या गया सिमिलर माना है इस क्वालिफिकेशन के साथ, अलाउ कर रखा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो अब बता भाई, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले जेई भी सिलेक्शन है, हरियाणा जेई भी कर रखा है इसने तो, क्या बोल दिया इसमें, आईटी सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट फील्ड, कौन सा था ये, हरियाणा डेयरी, अच्छा जूनियर मैकेनिक है, सही थोड़ी है, एक्साइज इंस्पेक्टर है। चलो मेन बात सुनो, सबसे पहले इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास देख सकते हैं, अभी आपके सामने ये है, एक तो दसवीं है, उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस टू है, उसके बाद क्या है आईटीआई है, ग्रेजुएशन भी है, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी हमारे पास दे रखा है इसमें। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन में जिसमें हमारे पास 60% नहीं मांग रखा वो अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। ग्रेजुएशन किस में है, आर्ट में है। यहाँ पर देखो जो टॉप पोस्ट है ना, जैसे मान लो यहाँ से शुरू करते हैं, जिलेदार से, ये रहा जिलेदार, इसमें क्या मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन मांगा है बस, ये आप पहला अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट, ठीक है ना। तो लिख भाई, ये एक नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इसमें भी ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और मस्ट हैव पास्ट एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, हाँ इसमें भी आपको पास मांग रखा है बस, अभी तो पागल बना रहे एचएसएससी वाले ये, ठीक है, ये तो नहीं बनवाना था इनसे, अब इनका तो एग्जाम ही हो गया, एग्जाम में नाम ही नहीं आया इसका, एक बार थोड़ा बहुत खुशी हो सकती है भी, ठीक है, भर लें हम।
ठीक है, वो आगे की बात है, छोड़ो। तो देखो मेन क्या बात है इसके अंदर, तो नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है ना, वो भी यहाँ पर शो कर रखी है, ठीक है, जिसमें क्वालिफिकेशन मैच है वो आप भर दोगे। सबसे पहला हमारे पास जिलेदार है, इसको आप करोगे एक नंबर पर, ठीक है, चेक कर लेना जिलेदार है क्या। उसके बाद टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, ये हमारे पास रहेगा दो नंबर पर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो गया, मेरी बात सुनो, इसमें 56 का तो हो गया कंप्लीट ये, ठीक है ना, क्या पता कोई बाय चांस तुक्का लग जाए, ठीक है। वैसे पेपर तो इसका हो गया, सभी को पता है, एसएससी को भी पता है पेपर हो गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहां से कर सकते हैं, स्टार्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, कैनाल पटवारी में क्या है अभी, मैं बस सिर्फ चेक कर रहा हूँ एक बार, ग्रेजुएशन इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये आपके पास है अभी, ग्रेजुएशन है, 3 नंबर पे आप ये कर सकते हो, ये 3 नंबर। एक्साइज इंस्पेक्टर, ये भी हमारे पास ग्रेजुएशन मांग रखा है इसमें सीधा, ठीक है, तो ये रहेगा 4 नंबर, ठीक है। पटवारी का है, ठीक है, ये भी सही है, ये हमारे पास है 5 नंबर। इंस्पेक्टर फूड, इसमें क्या मांग रखा है, डिग्री मांग रखी है बसीदा, ठीक है, ये भी हमारे पास 6 नंबर पे। पटवारी ये भी सेम ही रहेगा 7, ठीक है। एक और पटवारी है भाई 8। पंचायत ऑफिसर, ये बढ़िया पोस्ट है पंचायत ऑफिसर की, इसमें भी ग्रेजुएशन मांग रखा है, कितने नंबर है, 9, ठीक है। उसके बाद सब डिविजनल क्लर्क, इसमें नहीं हो सकता, इसमें बीए, अच्छा बीए क्या, फिर तो ठीक है, फिर हमारे पास ये हो गया 10 नंबर, ठीक है। जिलेदार टॉप पर किया, सबसे ऊपर जिलेदार है, असिस्टेंट नहीं करना हमें, ये नहीं करना, सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर, ये बढ़िया है सब इंस्पेक्टर का। प्लस 2, प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हु पास डिप्लोमा कॉरपोरेटिव मैनेजमेंट, इनको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, तो ये छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कलर का, ठीक है, सुनो, ये तो जो हमारे पास नॉन टेक्निकल पोस्ट थी जो मेन मेन, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब डिपेंड करेगा अभी टेक्निकल पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट में सबसे पहले मेन बात देखो, टेक्निकल पोस्ट के अंदर अब कहाँ से बिलोंग करता है, डीएच में, यूएच में है, डीएच में है, हाँ जी, ठीक रखे महिला सुपरवाइजर, कहां पर है ये, ठीक है यार, महिला सुपरवाइजर तो नहीं है इसमें, दुर्गा शक्ति भी है, चलो छोड़ो एक बार, सुनो बात, डीएच से बिलोंग करता है, तो डीएच के अंदर हमारे पास सबसे पहले एसए की पोस्ट है, एसए की 1 नंबर प्रेफरेंस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसए की पोस्ट रहेगी डीएच में, तो 1 नंबर प्रेफरेंस पे है, कितने हैं, दक्षिण हरियाणा, ये रही 183। इसमें क्वालिफिकेशन आप सभी ने चेक कर लिया एसए की, पूरा मैंने ये बता दिया, ठीक है। मेन हमारे पास क्या रहेगा, दक्षिण हरियाणा के अंदर जो एसए की पोस्ट है, कितने नंबर था, नहीं 11 था, 186 तो है, इससे पहले कितनी भर दी हमने पोस्ट, 11 नंबर है ये, ठीक है। अब देख, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है,
यूएच में भी एसए की पोस्ट है, ठीक है, या आप यूएच में एसए लगना चाहोगे या फिर डीएच में एलम से काम चला लोगे? हैं, यूएच एसए। अच्छा, तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कहां पर है? ये रहा। तो अगला हमारे पास कितने नंबर है? 12 नंबर, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद और भी पोस्ट है एचवीपीएनएल में हमारे पास है, सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर दे रखा है, चेक कर लेंगे क्वालिफिकेशन। ये रहा, सुनो बात, एचवीपीएनएल की क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी अलग है। देखो इतना बड़ा इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, 2 ईयर आईटीआई कोई दिक्कत नहीं चलेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन, ठीक है, दोनों वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं, और सारा कुछ तो मैच कर रहा है सब कुछ। यहाँ पर देखो, फुल टाइम डिप्लोमा, डिप्लोमा वाले भी और डिग्री, ठीक है, जिनके पास बीटेक है तो डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये होती है ट्रिपल ई ब्रांच, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नंबर होने चाहिए 60%, ठीक है। तो डिप्लोमा के ऐसे बहुत कैंडिडेट है जिनके पास 60% मार्क्स नहीं है, ठीक है, वो इसमें पीछे हो सकते हैं अभी। उसके बाद 55, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा लिखा है, डोमेसाइल केस कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर आईटी कोर्स इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन ट्रेड, ठीक है, दोबारा सेम बात लिख दी इन्होंने ये बात। अब मेन बात क्या है, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, अब इलेक्ट्रिशियन तो है ही आईटी के अंदर, तो अप्लाई कर सकते हैं ये, क्या चीज है, कैटेगरी नंबर 190 है ये, ठीक है। वहां पर है एचवीपीएनएल एलम जो है, कितने नंबर है? 13 नंबर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 13 नंबर। उसके बाद एलम कौन सा बच गया, डीएच का, सबसे पहले हमारे पास कहां, ये रहा असिस्टेंट लाइनमैन डीएच का, कितने नंबर है? 14 नंबर, 14 नंबर, ठीक है। उसके बाद डीएच का एलम, यूएच का एलम कितने नंबर है? 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो, ये लिखा हुआ है 195, ठीक है, बात सुनो। उसके बाद हमारे पास पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिशियन है, इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, इसको पहले सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं 140 पोस्ट देख कर इसके अंदर सिलेक्ट कर दें, ये सिलेक्ट नहीं करना है। जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो भी वैलिड एक्सपीरियंस है, वैलिड एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, यदि आपके पास है 2 ईयर आईटीआई, ये भी आपके पास है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट फील्ड। अब यहाँ पर रिलीवेंट फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रीशियन से आपका कोई एक्सपीरियंस है वो चलेगा, और कल एक कॉल भी आ रही थी बच्चे की कि लाइनमैन का एक्सपीरियंस है किसी के पास, वो भी चलेगा इसमें, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लाइनमैन का एक्सपीरियंस है वो चलेगा, ये चीज़ है, और एक्सपीरियंस वही चलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं उसी को नंबर मिलते हैं इसके अंदर, जो प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं है फिर यहाँ काउंट, ठीक है, तो ये नहीं भरना है हमें। उसके बाद देखो, दो पोस्ट ये भी अभी बढ़िया, बढ़िया पोस्ट कौन सी है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के अंदर, एक तो है प्लांट अटेंडेंट की, एक है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है। तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें मांग रखा है सीधा आईटी इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ये कितने नंबर हो गया, 16 नंबर, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर एक और दे रखी है, इसकी 40 पोस्ट है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, 17 नंबर, ठीक है, ये हो गया। तो क्या चीज है, प्लांट अटेंडेंट का क्वालिफिकेशन सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, देखो
क्वालिफिकेशन हैविंग मैट्रिक 2 ईयर आईटी, ठीक है, ये चीज सेम रहेगी। उसके बाद अब देखो ग्रुप नंबर 22 के अंदर जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिशियन से पोस्ट है, जिसके अंदर एक पोस्ट है किसी में दो पोस्ट है, वो हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये चेक भी क्या करोगे आप, पहले आप देखो कि उस कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास ग्रुप 22 है, उस ग्रुप 22 के अंदर अब मान लो कोई बीसी कैटेगरी से है और उसमें सिर्फ जनरल की एक पोस्ट है, फिर अप्लाई करके क्या करोगे, ठीक है ना। या फिर मान लो हमारे पास उसमें बीसी की पोस्ट है, जनरल से बिलोंग करते हो, फिर आपको मान्य नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी, ये चेक करके फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ग्रुप नंबर 22 में और कोई बचा हुआ है, ऑडिटर में हमारे पास क्या रहेगा, कॉमर्स है, कॉमर्स आपके पास नहीं है भाई, ठीक है, ये नहीं भरनी। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस है, ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट लाइन में ये भर दिया, HBSC, हाँ ये देखो ITI डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, ठीक है, ये है, तो इसको आप प्रेफरेंस में भरो। कौन सा है ये, क्या ये रहा 7 नंबर पे, ये कितने नंबर है अब, 17 हो गया, 18 नंबर है, 18 नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया हरियाणा सीड डेवलपमेंट, इसमें देखो ITI 2 ईयर इलेक्ट्रिकल वायर में नॉलेज मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, ये ठीक है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास है कैटेगरी नंबर 188, कितना है 19। अब साथ में काम करो, ग्रुप नंबर 22 है उसकी PDF डाल रखी है मैंने, उस PDF को ओपन करो पहले, तो ग्रुप नंबर 22 की जो PDF है उसको ओपन करो, और कैटेगरी नंबर 188 है इसमें चेक करो कितनी पोस्ट है और कौन सी हमारे पास जो कैटेगरी के लिए पोस्ट रहेगी। जनरल की है 187 में, जनरल की कितनी पोस्ट है, दो पोस्ट है, ठीक है, जनरल में अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिशियन के लिए 188 में, 188 में कितनी पोस्ट है, 4 पोस्ट है, सिर्फ जनरल की है, ये अप्लाई जनरल की तो है ना, बस ठीक है फिर तो। उसके बाद इरिगेशन वाटर इलेक्ट्रिशियन का 191 नंबर में चेक करो, ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, ये आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया, देखो ये अप्लाई नहीं करना, ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, ये अप्लाई नहीं करेंगे। कितने नंबर हो गया ये, 191 हटा दे भी। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है 192 नंबर में, डिप्लोमा इन, ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र वाला ये, हाँ वो तो किसके अंदर है, एक पोस्ट है, EWS की है, कौन सी कैटेगरी है, BCA कर सकते अप्लाई, BCA वाले नहीं कर सकते फिर, हाँ EWS ये नहीं कर सकते, ठीक है, 192 छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, चेक कर लेते हैं, एक्सपीरियंस तो नहीं मांग रखा, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन से सीधा मांग रखा, तो ये अप्लाई कर सकते हो। इसमें पोस्ट देखो पहले, जनरल की है, ठीक है फिर तो, टेक्निकल एजुकेशन में, हाँ ठीक है फिर, कितना नंबर हो गया, 19 हो गया, 20 होगा, नंबर कौन लिख सकते, देखो 20 हो गया, ये 19 है, 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव, इसके अंदर हमारे पास 196 में चेक करना एक बार, 196 में ITI मांग रखी है, ठीक है, और कंप्यूटर का आपके पास सब कुछ है ही, तो ये अप्लाई करो भाई, जनरल की 2 पोस्ट है, सही है फिर तो बिल्कुल। ये हमारे पास 21 नंबर, कंप्यूटर जरूरी है उसमें, हाँ रिजर्व कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, हो चाहिए PWD में हमारे पास ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट
इसमें हमारे पास क्या मांगा हुआ है? हाँ, ये अप्लाई कर सकते हो, भी ये नई पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 247, जिसके अंदर आईटी हो आपके पास, मैकेनिकल, फिटर, मोटर या इलेक्ट्रिकल, अपने पास इलेक्ट्रिकल की है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। कितनी पोस्ट है इसमें? थोड़ा है, ठीक है, फिर तो 22 नंबर। उसके बाद हरियाणा पावर जनरेशन प्लांट अटेंडेंट की, इसमें क्या मांग रखा था? ठीक है, इसमें भी हमारे पास मैट्रिक विद 2 ईयर आईटी कोर्स फिटर इलेक्ट्रिशियन से है, फिर तो चलेगा। ठीक है, यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो इसमें अप्लाई करेंगे भी। कितनी पोस्ट है इसमें? ठीक है, हाँ नील, मैं तो क्वालिफिकेशन चेक कर रहा हूँ आपके सामने, वो सिलेक्ट नहीं की उस टाइम, वो सिलेक्ट नहीं की ना, ग्रेजुएशन है इसकी, सही है, ग्रेजुएशन जिसकी है, क्या खोलो, अच्छा प्लांट अटेंडेंट की, एक मिनट रुको, आईटी है, ग्रेजुएशन कहाँ, यहाँ पर ये जो पोस्ट है ना, बात सुनो, प्लांट अटेंडेंट की पोस्ट है, बहुत कम बच्चों ने अप्लाई की है, पता ही नहीं था किसी को, मैंने स्पेशल वीडियो में बताया भी था इस पोस्ट के बारे में, ठीक है, 247 नंबर है, कितना 256 है गई है, ये बहुत कम पता था। यहाँ पर असिस्टेंट फूड के अंदर डिग्री मांग रखी है, तो आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो ये, ठीक है, 24 नंबर। उसके बाद जेल के लिए यहाँ पर दे रखा है, ये तो भाई इसमें तो हाइट वगैरह सब कुछ मांग रखा है, ठीक है, ठीक है। ऑडिटर के लिए ये भी मांग रखा है, इसमें कर सकते हैं, इसमें रहेगा 26, ठीक है, ये पहले भरी दिया, कैनाल पटवारी वगैरह। यहां पर है असिस्टेंट स्टोर कीपर, यहां पर कॉमर्स है, ये कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, यहां आर्ट भी लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ अभी 8 से हो चाहिए, ठीक है, फिर तो एक मिनट बोलो ना भाई, कितने नंबर हो गए हैं? 27 पे करें, 27, ठीक है, ये क्या है, हायर एजुकेशन इस कर 10+2 एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो 10+2 आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर है वो, या ठीक है, या में है वो 28, ठीक है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, इसमें 10+2, ठीक है, हैविंग, ठीक है, प्रेजेंट प्रेफरेंस आपको मिलेगी, कॉरपोरेटिव जिसके पास है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ये अप्लाई करो चाहिए 38। उसके बाद कलर्क के लिए तो होगा, ये तो है ही, ठीक है, 30। अब किन जाना, एक बार बैठ जाने, पानी हो पड़िया। वेल्डर टेन प्लस टू या फिर इट्स इक्वलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड, 10+2 तो है, ये भी सारा ठीक है, हाइट वगैरह सब कुछ ठीक है, तो इसमें करो चाहे 31, क्या चीज़ है, अच्छा हाँ वो तो एग्ज़ाम तो हो गया उसका,
उसके बाद 10+2 ये भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर मुंशी के अंदर क्या मांग रखा है, 10+2 है, ठीक है। ये हो गया 33 नंबर, ठीक है। अब जो मेन हमारे पास बची हुई पोस्ट है, इनमें ना तो हम एलिजिबल है ना कोई बात, ठीक है ना। अगर इनको ना अप्लाई करे तो भी कंप्यूटर टेक्नीशियन में हो सकता है भाई, इसमें क्या है, अरे यार डिप्लोमा ये तो है ही नहीं, सबमिट ऐसे ही नहीं होगा। सबमिट के लिए पहले साइन वगैरह सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां तक ये पोस्ट मैंने अप्लाई कर दी, यहां पर क्या दे रखा है देखो, मैं मोहित कुमार, नाम भी लिखा हो पूरा इसमें, हाँ बिल्कुल, मैं मोहित कुमार, ठीक है, बंसी लाल, पुष्टि करता हूँ कि ये सारा कुछ पहले ही आपसे साइन करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद सीईटी के सभी नियमों व शर्तों से हम बिल्कुल भी मान्य नहीं है, तो इस चीज़ में, ठीक है, ये हो गया, पूरी तरह से समझता या समझती इस आवेदन को मुझे एडमिट कार्ड का अधिकार नहीं है, चीज है, समझता हूँ कि इस आवेदन को जमा करने से एडमिट कार्ड का अधिकार नहीं है, और यह अच्छा अगर इसमें कोई गलतियां हुई या फिर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो, ठीक है। लिखित परीक्षा में मेरे अंक ही मुझे भर्ती के लिए हकदार नहीं बनाते, बल्कि यह पद योग्यता भी अनिवार्य जरूरी, ठीक है। उसके बाद मुझे जानकारी है कि आवेदन पत्र कंप्यूटर जनित व विज्ञापन आवश्यक योग्यताओं को पढ़ने के बाद, मैंने पूरा पढ़ने के बाद ही किया होगा, ठीक है। उसके बाद इसी पद विभाग के लिए उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा यदि इसके लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी है, ये बात होगी, दो मिनट रुक जाए, मैं बना दूं फिर सब कुछ छुआ दूंगा, एक मिनट रुक। इसी पद विभाग के लिए उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा यदि उसने इसके लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी है, प्राथमिकता देनी जरूरी है, ठीक है। अब ये करेंगे क्लिक, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, ठीक है। तो प्रिंट आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ये मैंने पूरा आपको बता दिया, पहले आप अपने चेक करोगे क्वालिफिकेशन जो दे रखा है वो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं तो आपको पहले एक पॉइंट ये बताऊंगा, ग्रुप नंबर 22 है उसमें जितनी भी क्वालिफिकेशन लिख, जितनी भी पोस्ट है अलग से एक कॉपी में लिख कर फिर यू करना अप्लाई, डायरेक्ट ये नहीं भी बोर्ड पहले डायरेक्ट कंप्यूटर के पास जाओगे वहां अपने आप देख रहे हो अप्लाई करो, ऐसा नहीं करना। पहले अपना परफॉर्मा बनाओ, कॉपी के ऊपर आराम से लिखो कौन कौन सी पोस्ट अप्लाई कर रखी है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्वालिफिकेशन मैच करेगी या नहीं करेगी, तो क्वालिफिकेशन मैच करेगी उसको अलग से लिखते जाओ, पहले देखो ग्रुप नंबर 22 में कितनी पोस्ट आप अप्लाई करोगे, उसमें क्वालिफिकेशन कौन कौन सी मैच कर रही है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, बाकी साइट वगैरह सब कुछ ठीक चल रही है, ठीक है ना। चलो फिर।